ऑडियो नंबर 4। पुस्तक का नाम यजुर्वेद संहिता भाग 2। अथ एकादश अध्याय। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। श्लोक नंबर 431। युञ्जान प्रथम मनस्तत्वाय सविता धियः अग्ने ज्योतिर्निर्चाय पृथ्व्या अध्याभरत। सविता देव सर्वश्रेष्ठा परमात्मा अपनी संकल्प शक्ति से सृष्टि रचना के समय प्रारंभ में मनस्तत्व एवं धी बुद्धि अथवा धारण शक्ति का विकास करके अग्नि से ज्योति जागृत करके उनसे भूमंडल को भर देते हैं। पदार्थ विज्ञान से प्रभावित दार्शनिक प्रारंभ में यह मानने लगे थे कि पहले पदार्थ बना, तब धीरे धीरे उसमें चेतना का विकास हुआ, किंतु अनुभूति जन्य वेद का मत है कि पहले चेतना का विस्तार हुआ। इसे अब पाश्चात्य वैज्ञानिक तथा दार्शनिक भी स्वीकार करने लगे हैं। 432। युक्तेन मनसा वयम् देवस्य सवितुः सवे सर्वज्ञार्य शक्तया। सर्वश्रष्टा परमेश्वर सविता देवता द्वारा विनिर्मित विश्व में हम अपने मनस तत्व को परमात्म तत्व से युक्त लगा करके पारलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए उस ज्योति को अपने अंदर समाहित करते हैं। 433। युक्त्वाय सविता देवान्तस्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवातितान। सर्व प्रकाशक सविता देव सुख स्वरूप तथा आलोक विस्तारक सूर्य आदि देवों को अपनी प्रेरक शक्ति द्वारा तेजस्विता से आपूरित कर देते हैं। सर्व प्रेरक रूप में वही सविता देव व्यापक प्रकाश को समस्त विश्व में फैलाने के लिए सूर्य आदि देवों को प्रखर सामर्थ्य से ओतप्रोत कर देते हैं। 434। युञ्जते मना ऊत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपञ्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितुः परितुष्टिः। विशिष्ट ज्ञान संपन्न ऋतिज्व यजमान के यज्ञ अग्निचर्या के पूर्ण पूर्ण रूपेण सफल बनाने के लिए अपने मन और बुद्धि को अभिष्ट कार्य में पूरी तत्परता के साथ नियोजित करते हैं। एकमात्र वह परमात्म चेतना ही समस्त विज्ञान कर्मों का ज्ञाता है और संपूर्ण विश्व का सृजेता एवं धारण करता है। उन सबके प्रकाशक सविता देवता की स्तुति महामहिम है। 435। युजे वाम ब्रह्म पूर्व्यम नमो भीर्वि श्लोक एतु पथ्वेव सुरे श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राय धामानि दिव्यानि तस्थुः। हे यजमान दंपति, आप दोनों के निर्मित हम अर्घ्यवयुर् अन्यादि हविष्य द्वारा श्रेष्ठ ज्ञान से संपन्न इस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ को संपादित करते हैं, जिसकी आहुतियां जिस प्रकार दोनों लोकों इहलोक और परलोक में पहुंचती हैं, उसी प्रकार यजमान के श्लोक भावपूरित मंत्र भी दोनों लोकों में पहुंचे और उसे दिव्य लोक में निवास करने वाले अमरण धर्मा प्रजापति के पुत्र सभी देव भी सुने, स्वीकार करें और यजमान को अविष्ट फल प्रदान करें। 436। यस्य प्रयाण मन्वय इत्युर्देवा देवस्य महिमान मोजसा यह पार्थिवाणी बिमसे स एतसुरजाग्वंसी देव सविता महित्वना। जिन सविता देव के कर्म महिमा और सामर्थ्य शक्ति का अन्य सभी देवता अनुगमन करते हैं, जो अपनी उत्पादक क्षमता से संपूर्ण लोकों के रचयिता हैं, सृष्टा सविता देव अपनी सृजनशीलता से इस विश्व ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त
है। 437 देव सवितः प्रसूव यज्ञं प्रसूव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। हे सविता देव, यज्ञ कर्मों की प्रेरणा आप सभी को दें। यज्ञ कर्म संपादित करने वालों को ऐश्वर्य संपदा से युक्त करके सत्कर्म की ओर प्रेरित करें। हे सविता देव, आप दिव्य ज्ञान के संरक्षक, वाणी के अधिपति, हमारे ज्ञान में पवित्रता का संचार करें और हमारी वाणी में मधुरता का समावेश करें। 438 इमं नो देव सवितरज्ञं प्रणय देवाव्यग्वं सखी विदंवं सत्राजितं धनजितग्वं सर्वर्जितं ऋचास्तोतं ग्वं समर्थय गायत्रेण रथंतरं बृहद्यान्य यत्र वर्तनी स्वाहा। हे दिव्य गुण संपन्न सविता देव, आप देवों के पोषक, भाव के विस्तारक, यज्ञ ऊर्जा के सुनियोजक और सुख एवं समृद्धि प्रदान करने वाले, आप हमारे इस यज्ञ को सफल बनाएं। यज्ञ को ऋग्वेद की रचाओं से पोषित करें, गायत्र साम से रथंतर साम को और उसी से बृहद साम को भी परिपुष्ट करें। श्रेष्ठ भावना से युक्त हमारी इस आहुति को स्वीकार करें। 439 देवस्वा त्वा सवितः प्रसेविष्णोर्बहु बाहुर्भ्याम पुष्णो हताभ्यम आददे गायत्रेण छंद सांगिर्रस्वत्व पृथ्वीयाः सधस्थाद्यग्निम पुरिस्य मंगीरस स्वादभर त्रैष्टुभेन छंद सांगिर्रसत्व। सबके सृजिता सविता देव की प्रेरणा से युक्त हम गायत्री छंद के प्रभाव से अश्विनी कुमारों के दोनों बाहुओं से तथा पूषा देव के हाथों से हे अग्ने, आपको अंगिरा के समान ग्रहण करते हैं। आप अंगिरा के समान त्रिटुप छंद की प्रेरणा से पृथ्वी को पोषण युक्त ऊर्जा से परिपूर्ण करें। 440 अभ्रीरसी नार्यसी त्वया वयमग्निग्वं शकेम खणितुं ग्वं सधस्था जागतेन छंद सांगिर्रसस्वत। हे अभ्रे, आप अभ्री मिट्टी खोदने का साधन है। नारी रूप शत्रु रहिता या खोदने से भोंथरी न होने वाली है। अतः आपके द्वारा हम जगती छंद के प्रभाव से पृथ्वी पर विद्यमान यज्ञ वेदिका में स्थित अग्नि ऊर्जा विज्ञान को अंगिरा के समान भले प्रकार प्रखर करने वाले धारण करने में सक्षम हो। 441 हस्तयाधाय सविता बिभ्रदधिभ्रीग्वं हिरण्यैम अग्नेर्ज्योतिर्निर्चाह्य पृथ्व्या अध्यभरदानुष्टुभेन छन्दसांगिरसस्वत। सर्वोत्पादक सविता देव प्रजापति अपने हाथ में स्वर्ण निर्मित अभ्री को धारण करके अंगिरा के समान अग्नि को भूमि यज्ञ वेदी के ऊपर प्रतिष्ठित प्रज्वलित करें और यजमान अनुष्टुप छंद से भली प्रकार उसे पोषित करें अर्थात प्रदीप्त करें। 442 प्रतुर्तम वाजिन्ना द्रव वरिष्ठा मनु संवतम दिवीते जन्म परम अंतरिक्षे तव नाभिः पृथ्वीयामधियोनीरित। हे अति तीव्र गमनशील अग्नि ऊर्जा अश्व, आपका द्युलोक दिव्य लोक में प्रादुर्भाव हुआ है। अंतरिक्ष में आपका नाभि स्थल मध्य भाग है तथा पृथ्वी लोक आपका व्याप्त होने का आश्रय स्थल है। आप पृथ्वी पर शीघ्र ही अपने उपयुक्त स्थान पर स्थापित हों। 443
युञ्चाथाग्वं रासभं युवस्मिन् यामे वृषण्वसु अग्निं भरन्तमस्मयुं। हे याजक और अर्ध्यवर्यु यजमान दंपति, आप दोनों धन की वृद्धि करने वाले हमारे लिए लाभकारी अग्नि को प्रदीप्त करने में समर्थ हैं। आप इस रासव को शब्द एवं दीप्ति युक्त अग्नि को यज्ञ कर्म में नियोजित करें।